एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिकॉशंस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग व्हीकल। ठीक है, व्हीकल को कैसे लोड और अनलोड करते हैं, जैसे कोई सामान उसमें जा रहा है उसकी लोडिंग कैसे करेंगे और उसकी अनलोडिंग कैसे करेंगे, सामान कैसे उतारेंगे, इसके लिए भी एक सेफ्टी मेंटेन करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी सामान पटक दें और वो चला जाएगा और फिर उसे उठा लें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें प्रिकॉशंस कुछ लेने होते हैं। सबसे पहले तो हमें कोई भी व्हीकल को ओवरलोड नहीं करना है। ठीक है, हमें इस तरीके से व्हीकल को जो सामान है वो उस तरीके से रखना है कि सारा वेल मेंटेन्ड रहे और ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी उसमें जैसे कि कोई ब्रेक लगे तो सारा का सारा सामान ऐसे निकल के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखनी है। हमें ये भी सारी चीज़ें चेक करनी होंगी कि हम किस तरीके का सामान उसमें लोड कर रहे हैं। ओवरलोड हमें कभी भी व्हीकल को नहीं करना है। हमें सेफ तरीके से सारे सामान को एडजस्ट करना है, सारे सामान को उसमें रखना है। ठीक है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि लोडिंग और अनलोड लोडिंग करते वक्त जो भी एरिया है वो क्लियर होना चाहिए। उसके ओवरहेड मतलब उसके ऊपर केबल्स नहीं लगे होने चाहिए, कोई पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए, कोई डेंजरस ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ लोडिंग और अनलोडिंग का, ये वैसे तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का टॉपिक है पर ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारा मटेरियल आता है जिनको हम ट्रक्स के थ्रू या व्हीकल के थ्रू लोड और अनलोड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होंगी। तो सबसे पहले यही है कि आपका किस तरीके का मटेरियल उसमें जा रहा है, जो भी मटेरियल है उसे पहले तो ठीक से रखना है। ऐसा ना हो कि व्हीकल पर ज़रा भी ब्रेक लगाया जाए, कुछ भी, तो पीछे का सामान आगे आ जाए। ठीक है, साथ ही ओवरलोड उसे नहीं करना है बिल्कुल भी। और हमें ये भी चेक करना है जब भी हम उसे अनलोड करेंगे, जो उसका सारा सामान नीचे उतारेंगे तो साथ में ऊपर कोई ओवरहेड केबल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, जो भी व्हीकल है उसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसा है उस व्हीकल का, क्या वो ज़्यादा कैसे कैपेसिटी का वो लोड बेयर कर पाएगा, वो हैवी लोड वेट जो भी है वेट कैसा बेयर कर पाएगा, मोबाइल इक्विपमेंट है, फॉर्कलिफ्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसे लोड देना होगा। ऐसा नहीं बहुत सारा सामान हो और अपने उस पर रख दिया तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। उसकी लेंथ हाइट वेट कितना है, व्हीकल पर वो एडजस्ट हो रहा है या नहीं, ऐसा तो नहीं आधा सामान बाहर निकल रहा है आधा अंदर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाली इमेज में देखिए इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकेंड वाली इमेज में जो मटेरियल है पूरा उसके अंदर इंसर्ट हो जाए ऐसा हमें रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा सामान बाहर निकल रहा है तो जैसे कि पीछे वाला अगर कोई आ रहा हो पीछे से और वो उसकी गाड़ी तेज़ हो तो उसी को चोट लग जाए, तो इस तरीके से हमें बचना है। ठीक है, इस तरीके से हमें बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करनी होगी जब भी हम उस पर कोई भी सामान बेयर कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही हम जैसे कि ये तो बाहर की बात हो गई कि जब भी बाहर से कोई व्हीकल आ रहा है तो इस तरीके से हम सेफ्टी रखेंगे। अगर हम अंदर की बात करें जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में एक सामान को उठाने के लिए कोई फॉर्कलिफ्ट जा रही है या कुछ भी है तो किस तरीके से ले जाएंगे, तो हमें उसके लिए भी सेफ्टी मेंटेन करनी होगी। नेक्स्ट, ये देखिए इस इमेज में क्या हो रहा है, जो व्हीकल है उससे ज़्यादा बाहर सामान निकाल रहा है, पीछे से फॉर्कलिफ्ट उसको ले जा रही है, गलत है ये, ऐसा नहीं करना है। हमें इस तरीके से सामान रखना है कि उसके अंदर ही उतना ही सामान जाए, जितना हम रखें उतना ही सामान फिक्स हो जाए, एक्स्ट्रा नहीं मटेरियल रखना है। एक्स्ट्रा मटेरियल रखते हैं तो उसे ओवरलोडिंग कहा जाएगा। अब किसी व्हीकल को ओवरलोड करेंगे तो एक्सीडेंट होना बिल्कुल पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है। हमें एक्सीडेंट्स रोकने हैं और यहाँ पर हमें ऐसे नहीं ऐसे हमें एक्सीडेंट्स रोकने हैं पर काम भी करना है, पर काम हमें इस तरीके से नहीं करना है, इतनी केयरलेसनेस से हमें काम जो करना है वो बिल्कुल केयरफुली करना है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, हमें सावधानी के साथ काम करना है, सेफ्टी के साथ काम करना है। तो हमारे प्रिकॉशंस यही कहते हैं कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं व्हीकल के साथ तो बिल्कुल सेफली करें, क्योंकि एक बार व्हीकल को लोड कर दिया गया तो उसे अनलोड जब करेंगे जब वो जगह पे पहुंच जाएगा, तो लोडिंग करते वक्त ही हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हम किस तरीके से इसे सेफ रख सकते हैं। ठीक है, उसका जो भी रूटीन है, फिर उसके बाद हमें एक व्हीकल रूट अगर बनाना चाहे तो हम इस तरीके से व्हीकल रूट भी बना सकते हैं कि उसके फुटवे कैसा है, मतलब क्या उसके टायर्स वगैरह ठीक से हैं, सामान जो भी उसमें रखा गया है उसका लोड बेयर हो पा रहा है, कोई भी ज़्यादा सामान एक्स्ट्रा रखा तो नहीं गया, इस तरीके से हम एक चेकलिस्ट मेंटेन करके उसे रख सकते हैं। ठीक है, जिसको कि व्हीकल रूट्स बोल सकते हैं, प्लानिंग बोल सकते हैं, प्लानिंग व्हीकल रूट्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें यही चेक किया जाएगा कि आप जहाँ भी सामान पहुँचा रहे हैं कितनी दूरी पे जा रहा है, कितना सामान जा रहा है, उसको ट्रैफिक रूट्स पे क्या क्या फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे कहीं ट्रैफिक हो रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि हम इतना हैवी वेट लेके जा रहे हैं तो
तो उसकी वाइड जो है वृत्त जो है जो कि जो भी सामान है वो एक्स्ट्रा ट्रक से या रोड से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ट्रक से बाहर निकलेगा सामान, मटेरियल बाहर निकलेगा तो एक्सीडेंट होना पॉसिबल है। तो हमें इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। हमें प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन रखनी है, हमें उतना ही लोड उसमें करना है, देना है, उतना ही सामान उसमें जाना चाहिए जितना वो लोड बेयर कर सकता है। अदरवाइज़ हमें एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें नहीं रखना है। हमें ये भी चेक करना है व्हीकल जो है वो ठीक से वेल मेंटेन्ड है, मतलब उसके ब्रेक वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद टायर्स वगैरह, क्योंकि क्या क्या होता है कभी कभी खाली व्हीकल तो ठीक चल रहा है, अब जब उसमें लोड रख जाता है एक बार तो क्या होता है उसके जो जो व्हीकल रहते हैं व्हील्स जो रहते हैं उनमें थोड़ा सा एयर प्रेशर जो होता है वो कम होने लगता है, जो हवा भरी रहती है टायर्स में वो, ठीक है। तो वो वजन उन पे आ तो नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी होंगी जिससे कि हम होने वाले एक्सीडेंट से आगे बच सकें, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस में इतना ही आएगा इसके व्हीकल प्रिकॉशंस में, लोडिंग और अनलोडिंग में। ये मैंने आज आपको, वैसे तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का टॉपिक है पर ये हर जगह काम आएगा क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में भी होते हैं व्हीकल्स, है ना, सामान आता है बाहर से जाता है तो ये सारी चीज़ें उसमें भी होती हैं। तो मैंने आज ये आपको बताया, प्रिकॉशंस बताया थोड़े से। सो थैंक यू।